सर, पेट्रोल डीजल के भाव जो देश में बढ़ रहे हैं, क्या कहोगे आप जिस तरह से? आपको मैं बताऊं कि ये जो थोड़ी सी बढ़त है वो इसलिए है कि जो लोग आज शिवसेना के साथ मिलकर के महाराष्ट्र में शासन कर रहे हैं, उनका ऑयल बैंड का कर्ज भर रहे, ऑयल बॉन्ड का कर्ज भर रहे हैं। 1.5 लाख करोड़ का जो भारत के ऊपर कर्ज दे रखी थी यूपीए गवर्नमेंट, उसको धीरे धीरे चुका रहे हैं और ये देश मिलकर के उसको चुका रहा है। मुझे लगता है बस थोड़े दिन में पूरे देश के लोगों को उसमें भी कमी आएगी, जैसे हर क्षेत्र में कमी। जिन लोगों के राज में हमारा एक बच्चा सुशांत राजपूत कराता रह गया, FIR तक नहीं करने दिया, वो किसी वो पार्टी किसी की नहीं हो सकती। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, कलेजा आज भी रो रहा है, कल भी रो रहा था, और जिस दिन सामने आएंगे तब भी कहूंगा कि इसकी बद्दुआ ऊपर वाले आपको देंगे। शिवसेना के लोगों को याद रहना चाहिए। मैं बड़ा मन में तकलीफ है, इंसानियत को जिंदा करो भैया। शासन प्रशासन तो चलते रहता है, लेकिन किसी के मुराद को रौंद करके आगे जाओगे तो जनता खड़ी होगी, तब हम कहेंगे आइए सब मिल करके उस व्यक्ति का हाथ मजबूत करें, उस व्यक्ति के लिए महेश गावित को जिताइए जिस व्यक्ति का नाम इस समय नरेंद्र मोदी नहीं है, देश में गरीबों का बेटा कह के जाना जा रहा है, उसके लिए प्रार्थना। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जवन जोन कैले मुख्यमंत्री के रूप में कुल नट्टू भाई अजिंगा करे के प्रयास के लिए बटे, सफलता भी मिल रहा के बीच में जब आया हूँ तो एक कमाल का संजोग बना है। कमाल के संजोग मतलब कमाल के संजोग, जो अवसर आज आपको सिलवासा को मिला है, दादरा नगर हवेली को मिला है, वो इस समय देश में इस समय किसी को नहीं मिला है जो अवसर आपको मिला है। वो अवसर क्या है अभी तो ठीक बात, नट्टू भाई इनके संगे हम लोग बातचीत कर करके मेडिकल कॉलेज आई इन नदिया में का बनत रहे घाटों के का कहिया रिवर फ्रंट। अरे ताली मारो, क्या रिवर फ्रंट, जबरदस्त रिवर फ्रंट है। आप सोचो नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जवन जोन कहले मुख्यमंत्री के रूप में कुल नट्टू भाई अजिंगा करे के प्रयास के लिए बटे, सफलता भी मिल रही। एक मतलब इसका मतलब कि बीजेपी लोगों को खुशियां देने में विश्वास करती है। ये दूसरे का जमीन कब्जा करने में, दूसरे को माल हड़पने में, इसमें नहीं बीजेपी है। बीजेपी के मतलब कि दूसरों की खुशी। आज देखो अब हम आए बने तो हम कहा कहीं, ये उपचुनाव आपके ऊपर आया है और उपचुनाव में हमारे बीजेपी के कंधे थे महेश भाई गावित, और महेश भाई गावित कैंडिडेट है, और जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं उनका भाषण सुन के आपको एक सेकंड नहीं लगा होगा कि उन्होंने पूरे मन से कहा कि सिर्फ हम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए महेश भाई गावित के लिए, उसी ऊर्जा से प्रयास कर रहे हैं। ये जो महानता है नट्टू भाई को बहुत दिन से जाना था नहीं ना, एक बार इनका के लिए प्रचार करे तो कहो कि भैया मेरा प्रचार करो, हम के प्रचार एक शर्त पे करेंगे। बोले क्या शर्त? हम के जब तुम जीत जाना तो मेरा प्रोग्राम कराना, गाना गाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि कराऊंगा, सिलवासा में प्रोग्राम कराया। आप लोग कई लोग आए होंगे, आए होंगे ना, तो ताली बजा दीजिए जो कहता है वो, और बीजेपी भी जो कहती है वो करती है। अब ये बार बार जो तस्वीर आ रही है इसमें बीच बीच में नरेंद्र भाई बोलते आ रहे हैं, कल 21 तारीख रहे ना, आप सोचिए सब कहेला कि भारत गरीब देश बा, सब कहेला दुनिया भर में कि भारत अभी पिछड़ा देश बा, और आपने देखा होगा कि कल पूरी दुनिया में सबसे पहले 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम किया तो देश ने किया, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया ना। यहाँ भी बहुत लोग लगाए होंगे ना, कितने लोग वैक्सीन लगा चुके हैं, जरा हाथ उठाइए। देखिए तो यहाँ हमको लगता है 95% से ज्यादा हो चुका है। तो एक बार मोदी जी के लिए ताली बजाओ आप लोग, ये काम
हर मेडिकल कॉलेज बनाई दिया, रिवर फ्रंट बनाई दिया, जब संघ स्टेडियम भी हो गई, जब जरूरत पड़ल संकट में तो अनाज भी फ्री में मिलने हुई, 5 लाख के इलाज भी जेकरा के गरीब लोगन के मिलते हुई, बेघर के घर भी मिलते हुई, और इसके बाद जब जरूरत पड़ी तो 100 करोड़ लोगों को 9 महीना में वैक्सीन लगा दिया। वैक्सीन नहीं है वो, जीवन है, जीवन दे दिया उन्होंने। हे हमारे भाई लोग सिलवासा के, दादर नगर हवेली के, यही किसी को हम कहना चाहते, ये अवसर किसी के पास नहीं है। आज पूरा देश नरेंद्र मोदी को इनाम देना चाहता है, पूरा देश कह रहा है नरेंद्र मोदी क्या कर दे, बोलो न कलेजा निकाल दे, क्या कर दे, लेकिन उनके पास मौका नहीं है। सिलवासा के पास, दादरा नगर हवेली के पास मौका है कि उनके इस काम के लिए 30 तारीख को कमल का बटन दबा के उनको पुरस्कार दे दो मेरे भाई बहन। इससे बड़ा अवसर और कोई के पास नहीं कि हम वो सोची तो कुछ नहीं कर सकीला, खाली ट्विटर पे लिख सकीला। देखिए हमारा तो मुख्य बात यही है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। दादरा नगर हवेली का विकास पीछे भी जब हुआ नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जब नट्टू भाई पटेल यहाँ के सांसद थे तब हमने देखा, अब महेश गावित खड़े हैं, सभी लोग हम लोग साथ में खड़े हैं। और मेरी दादरा नगर हवेली सिलवासा से बार बार एक ही प्रार्थना होगी कि आइए हम सब मिल करके नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें, दादरा नगर हवेली को विकास के रास्ते पे आगे ले जाएं। शिवसेना विकास से उसका कोसों दूर का भी रिश्ता नहीं है। शिवसेना जिस प्रकार का शासन करती है वो सबको पता है। हम आप सबसे, आपके मार्फत, मीडिया के मार्फत सबसे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आइए भारतीय जनता पार्टी को जिताकर, महेश गावित को जिताकर, विकास को जिताया जाए। देखिए जनता बोल रही है कि नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है, और वास्तव में जो प्रधानमंत्री लैब लैब घूम घूम करके एक एक टेस्ट में वो बैठे हैं, उनको जीवन दे दिया पूरे देश के लोगों को, तो ऐसे नरेंद्र मोदी को मैं बस प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत हम महेश गावित को जिता करके करें। मैंने एक दिल का भाव कहा और भोजपुरी भाषा में बोले हैं कि दादरा नगर हवेली आइल बानी, अरजी पठौले बानी, विनती लगौले बानी हो, महेश गावित के जिता द, नरेंद्र मोदी के शक्ति बढ़ा द, सिलवासा दादरा नगर हवेली में विकास के नदी बहा द, मनोजवाया इल बाटे।